मिलेट हमारे लिए इतना यूज़फुल है, काम आते हैं। जो पहले मेरा दादा परदादाओं ने ऐसे किया है कि बच्चों को नया नया जन्म देते समय में मुँह अच्छा होने के लिए, जो मुँह में बीमारी ना आने के होने के लिए, उसके एक बूंद उसका बियर से डालता था तो वो पीने के बाद तभी माँ का दूध पीता है। तो आजकल वो सब प्रैक्टिस नहीं होता है क्योंकि हर बच्चा के जन्म जो मेडिकल में होते हैं तो मेडिकल में ये सब वियर का तो एलो नहीं होगा। और दूसरा ये है उसको मिलेट जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, मिलेट का छोटा छोटा बूंद से लेकर उसका पेड़ पौधा उसका पत्ता तक हम लोग ने नहीं छोड़ते हैं। इवन हमारे अफतानी कम्युनिटी में तो उसको जला पूरा ऊपर को काटने के बाद उसका पेड़ पौधा को हम लोग जला काट के जला के रख बनाते हैं। तो उस रख को हम लोग फिल्ट्रेशन करके तो उस फिल्ट्रेशन का पानी को हम लोग का फीके पीला बनाता है, वो भी हमारा ट्रेडिशनल फूड है। और फीके पीला जो इतना हमारा अपतानी में फेमस है कि मतलब जो भी ओकेजनल जो भी पूजा फेस्टिवल करने से फीके पीला का बिना नहीं हो पाता है। तो वो सब एक इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है मिलेट को हम लोग जो किसी का डिहाइड्रेशन पेट खराब हो तो और उसको आप जूस बना के पिलाइए तो ORS से बहुत जल्दी आपका बॉडी में रिकवरी करेगा। ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया है। और तीसरा ये है जिसका घर में धान खेती कम हो के तो ये जून जुलाई मंथ में बहुत अनाज कम होते हैं तो अनाज कम होने से उसको मिलेट को पाउडर बना के उसको खाना का जो जगह है मिलेट खाने से आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। बॉडी में जो जो रिक्वायरमेंट है तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह आयरन वो सब बहुत मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट तो आपका बच्चा का ग्रोथ में भी बहुत आगे बढ़ेगा।